इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्याज तूफान हुआ और खतरनाक, कल उड़ीसा के बालासोर के पास होगा लैंडफॉल। तूफान के टकराने के दौरान 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं हवाएं, तटीय इलाकों में 4.5 मीटर तक लहरें उठ सकती हैं। प्याज तूफान का उड़ीसा में असर दिखना शुरू, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भुवनेश्वर में तेज बारिश जारी। उड़ीसा के 6 जिले हाई रिस्क जोन में घोषित, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, मयूरभंज और केवांझार जिले में ज्यादा खतरा। यास तूफान से उड़ीसा के बालासोर में लैंडफॉल का खतरा, सीएम नवीन पटनायक ने गृह राज्य मंत्री को दिया वहां जाकर हालात पर निगरानी रखने का निर्देश। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दिखा यास तूफान का डर, खतरे को देखते हुए ट्रेनों को चेन से बांधा गया। पश्चिम बंगाल के दीघा में भी समंदर में उठ रही हैं तेज लहरें, तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 10 और टीमें तैनात, पूरे राज्य में 45 टीमें मौजूद। तटीय इलाकों को खाली कराने का काम जारी, पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर के दीघा में लोगों को सुरक्षित स्थान पर वहां से पहुंचाया गया। ममता बनर्जी ने कहा राज्य सरकार 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी, यास का असर अम्फान तूफान से भी ज्यादा होगा। यास तूफान से निपटने के लिए पारादीप बंदरगाह पूरी तरह से तैयार, पोर्ट को बंद करके सभी जहाजों को एंकर रेंज एरिया में शिफ्ट किया गया। उड़ीसा के चांदीपुर में यास से निपटने की तैयारी शुरू, मछुआरों के गांव को कराया जा रहा है खाली। चक्रवात से प्रभावित होने वाले लोगों की मदद के लिए आगे आई उड़ीसा की रेड क्रॉस सोसाइटी, जरूरतमंदों के लिए तैयार किए खाने और जरूरी सामान के पैकेट। यास तूफान को लेकर बिहार और झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया, कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। ताऊते तूफान में बोट डूबने का नया वीडियो सामने आया, टग बोट वारप्रदा पर सवार कर्मचारी सूरज चौहान ने बनाया वीडियो, मौत से पहले बनाया वीडियो। वीडियो में साफ दिखा लहरों ने पहले डेक को मारी टक्कर, पहले डेक डूबा फिर देखते ही देखते पूरी बोट समंदर में समा गई। गुजरात के अमरेली से भी एक बोट का वीडियो सामने आया, ताउते तूफान के बीच जाफराबाद के शियालबेट टापू पर 22 मछुआरों का रेस्क्यू किया गया, कोस्ट गार्ड की रेस्क्यू टीम ने बचाया। बार्ज P305 पर सवार इंस्पेक्शन इंजीनियर सौरभ जैन का अब तक कोई सुराग नहीं, सौरभ की पत्नी ने नेवी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की अपील की। अरब सागर में डूबे बार्ज P305 और टग बोट वरप्रदा जहाज से अब तक 71 शव निकाले गए, मुंबई पुलिस ने दिए आंकड़े, अरब सागर से निकाले गए 71 शव। कोरोना के घटते मामलों के बीच फंगस से हड़कंप, देश में ब्लैक फंगस के 5,424 से ज्यादा केस, ब्लैक फंगस के गुजरात में 2,165, महाराष्ट्र में 1,188 केस। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले, करीब 200 मामले दर्ज, LNJP अस्पताल में 55 मरीज भर्ती। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, महाराष्ट्र सरकार का फैसला। ब्लैक फंगस महाराष्ट्र सरकार ने इस पर की बैठक, मीटिंग में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और जिले के अधिकारी रहे मौजूद, हालात का लिया जायजा। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के लिए नई गाइडलाइन, पॉजिटिव मरीजों को जाना होगा कोविड सेंटर, होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं। कर्नाटक और पंजाब में ब्लैक फंगस के केस तेजी से बढ़े, कर्नाटक में ब्लैक फंगस के अब तक 440 मामले आए सामने, बीमारी से 12 लोगों ने गंवाई जान। पंजाब में अब तक ब्लैक फंगस से 111 बीमार, अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र के पुणे में ब्लैक फंगस के 574 मामले सामने आए, 25 मरीजों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र के पुणे में भी ब्लैक फंगस के 574 केस आए सामने, इनमें 25 मरीजों की मौत। जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस महामारी घोषित की गई, लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर फैसला। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद येलो फंगस ने बढ़ाई चिंता, मुंबई और गाजियाबाद में पहली बार येलो फंगस का केस, गाजियाबाद में 45 साल के शख्स में ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस। एम्फोबी दवा से हो सकता है येलो फंगस का इलाज, ब्लैक और व्हाइट फंगस से ज्यादा घातक है येलो फंगस। देश में कोरोना केस में गिरावट, एक दिन में 1,96,427 लोग पॉजिटिव पाए गए, 40 दिन बाद 2 लाख से कम मामले सामने आए। कोरोना से मौत के मामले में भी कमी दर्ज की गई, 24 घंटे में 3,511 मरीजों ने जान गंवाई। 24 घंटे में देश में 20,58,000 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हुए, अब तक 33,25,00,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है कोरोना का टेस्ट। थर्ड वेव से पहले अलर्ट है राज्य सरकारें, उत्तराखंड में 45 दिनों में हजारों बच्चे संक्रमित, 10 साल तक की उम्र के 1,000 से ज्यादा बच्चे संक्रमित। हैदराबाद में 8 दिन का बच्चा कोरोना पॉजिटिव, 1 महीने बाद बच्चे की सेहत में हुआ सुधार। राजस्थान के 4 जिलों में 2,000 बच्चे कोरोना संक्रमित, बांसवाड़ा में 21 मार्च से अब तक 815 बच्चे कोरोना से संक्रमित, CMHO ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए केस, 361 लोगों की हुई मौत। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,187 नए मामले सामने आए, 45 लोगों की मौत हुई। यूपी में 3,981 नए केस आए सामने, 157 ने तोड़ा दम। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,844 नए मामले सामने आए, सबसे ज्यादा 490 केस राजधानी पटना से मिले। झारखंड में 24 घंटे में 1,394 संक्रमित, 33 की गई जान।
राजस्थान में कोरोना के 4,414 नए मामले, 103 लोगों ने जान गंवाई। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,209 केस पाए गए, राज्य में कोरोना के 60,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में 25,311 लोग कोरोना से संक्रमित, 529 लोगों ने जान गंवाई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 17,821 लोग संक्रमित, 196 लोगों की गई जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के करीब 13,000 नए मामले सामने आए, 96 मरीजों ने दम तोड़ा। पंजाब में एक दिन में 4,539 बीमार, 178 की गई जान। असम में एक दिन में कोरोना के 6,221 एक्टिव केस, 84 लोगों ने जान गंवाई। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना के 290 नए मामले दर्ज, 34 की गई जान, 8,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। तिहाड़ जेल में अंडर ट्रायल कैदी की कोरोना से मौत हुई, बुरारी अस्पताल में चल रहा था इलाज। कोरोना के खिलाफ एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के बाद तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मिर्जापुर। मिर्जापुर के जोनल अस्पताल में सीएम योगी ने लॉन्च किया ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट, कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने कहा यूपी में रोज हो रहे हैं 3,25,000 कोरोना के टेस्ट, 23 जनपदों में 18 प्लस वालों को लगाई जा रही है वैक्सीन। सीएम योगी ने वाराणसी का भी दौरा किया, शिवपुर के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। वैक्सीनेशन के मामले में योगी सरकार ने मारी बाजी, 24 मई को उत्तर प्रदेश में 2,89,000 से 79,000 से ज्यादा को लगाया गया टीका। कोरोना के इलाज के लिए भारत में लॉन्च हुई एंटीबॉडी कॉकटेल, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दी गई थी ये दवा। रूस से रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाइयां भारत आए, दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा विमान। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की महाराष्ट्र सरकार से मांग, जिन्हें दोनों टीके लगे उन्हें ट्रेन में सफर करने की दी जाए इजाजत। स्पुतनिक लाइट का चल रहा है फेज 3 ट्रायल, रूस को जल्द से जल्द भारत में स्पुतनिक लाइट की सप्लाई और प्रोडक्शन की उम्मीद। मुंबई में आज 227 सेंटर्स पर लग रही है वैक्सीन, 45 प्लस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स और हेल्थ वर्कर्स को कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 18 प्लस वालों का वैक्सीनेशन रुका, वैक्सीन की कमी की वजह से फैसला। अब वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे 18 से 44 साल की उम्र के लोग, सरकारी केंद्रों पर ही उपलब्ध होगी ये सुविधा। दिल्ली को 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए कोविशील्ड के 1.5 लाख डोज मिले, अगले 14 दिन तक और हो सकेगा वैक्सीनेशन। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराया गया, कोरोना संक्रमित हैं बुद्धदेव। राजस्थान के कोटा से आज शर्मसार करने वाला वीडियो, कार की सीट बेल्ट से बांधकर पिता ले गए शव, एम्बुलेंस ड्राइवर ने मांगे थे 35,000 रुपए। राजस्थान के झालावाड़ से भी आई दर्दनाक तस्वीर, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर घर वाले ठेले पर मरीज का शव ले जाने को मजबूर। बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड स्टेशन पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, राउरकेला से ऑक्सीजन लेकर आई है एक्सप्रेस। भारतीय नौसेना का मिशन ऑक्सीजन जारी, कतर और बहरीन से ऑक्सीजन लेकर मुंबई पहुंचा INS तरकश। 21 दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद चंडीगढ़ में दुकानों को खुलने की इजाजत, सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खुली रखने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर में बढ़ाया गया लॉकडाउन, सभी 20 जिलों में 31 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू। पीपीई किट पहनने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए अच्छी खबर, पुणे के छात्र ने बनाया कोवटेक नाम का वेंटिलेशन सिस्टम, पीपीई किट के अंदर बनाए रखेगा एयर फ्लो। बंगलुरु में BGS ग्लोबल अस्पताल में डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों पर हमला, मरीज से मिलने नहीं देने पर रिश्तेदारों ने किया हंगामा, 2 लोग गिरफ्तार। कोरोना के बीच दिल्ली में डेंगू का कहर, 22 मई तक डेंगू के 25 केस दर्ज, 2013 के बाद जनवरी मई के बीच सबसे ज्यादा मामले। मेहुल चौकसी के लापता होने की खबर पर एक्शन में CBI, एंटीगुआ एम्बेसी से संपर्क कर रही है CBI। एंटीगुआ में रह रहा भगोड़ा मेहुल चौकसी लापता, चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा पुलिस की प्रेस रिलीज से साफ, मेहुल कल शाम 5:15 बजे किया गया था स्पॉट। मेहुल चौकसी की तलाश में जुटी एंटीगुआ पुलिस, PNB घोटाले का आरोपी है मेहुल चौकसी, 13,000 करोड़ के PNB घोटाले का है आरोपी। CBI डायरेक्टर के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 3 अफसर, XC अवस्थी, RK चंद्रा, VSK कौमुदी से किसी एक के CBI डायरेक्टर बनने के आसार। टूलकिट केस में कांग्रेस के 2 नेताओं को नोटिस, दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के 2 नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया। भारत में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियों पर खतरा, सोशल मीडिया कंपनियों को दी गई सरकार की डेडलाइन आज हो रही है खत्म। गाइडलाइंस के तहत सोशल मीडिया को बनाना था एक शिकायती सेल, सरकार ने नई गाइडलाइंस के लिए 3 महीने का दिया था समय। संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मुलाकात करेंगे जयशंकर, कहा बड़ी चर्चाओं को आकार देना जारी रखेगा भारत, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी से भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पहलवान सुशील कुमार के साथ छत्रसाल स्टेडियम में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, सुशील के साथ 45 मिनट स्टेडियम में रही पुलिस। क्राइम ब्रांच की टीम सुशील कुमार को मॉडल टाउन और शालीमार बाग भी लेकर गई, सुशील के मददगारों की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस। गैंगस्टर नीरज बवाना और सुशील कुमार के कनेक्शन की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच, पुलिस का दावा बवाना के साथ सुशील कुमार के जुड़े होने के मिले हैं सबूत।
पहलवान सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, शरीर पर सिर से पैर तक कई जगह चोट के निशान, सिर पर भारी चीज से किया गया वार। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने करप्शन के कथित मामले में बीजेपी सांसद को समन भेजा, सीआईडी ने अर्जुन सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को कहा। चुनावी हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को जारी किया नोटिस, बीजेपी कार्यकर्ता के भाई ने याचिका दायर करके की थी एसआईटी जांच की मांग। महाराष्ट्र पुलिस ने कांस्टेबल विनायक शिंदे को नौकरी से बर्खास्त किया, मनसुख हिरेन मर्डर केस में हुई थी कांस्टेबल की गिरफ्तारी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस में नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 28 मई को होगी अगली सुनवाई। कुश्ती पहलवान सिद्धार्थ की गोली मारकर हत्या, दो लोगों ने किया अंधाधुंध फायरिंग, मौके पर हुई पहलवान की मौत। यूपी में मंत्री के भाई को गरीब कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए जाने पर बवाल, यूनिवर्सिटी के वीसी ने कहा गड़बड़ी साबित हुई तो नियुक्ति होगी रद्द। अभिनेता दीप सिद्धू के खिलाफ कोविड नियमों के उल्लंघन करने को लेकर केस दर्ज, फरीदकोट के एक गांव में बिना मास्क पहने जनसभा करने का आरोप। लॉकडाउन में बढ़ी बांस की टोकरियों की मांग, जम्मू कश्मीर में उधमपुर के कारीगरों की कमाई बढ़ी। आरएलडी के अध्यक्ष चुने गए जयंत चौधरी, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया फैसला। अमेरिका ने जापान और श्रीलंका की यात्रा को लेकर जारी की एडवाइजरी, कोरोना को देखते हुए जारी की गई है एडवाइजरी। अमेरिका ने बेलारूस में एक विमान को जबरदस्ती लैंड करवाकर सरकार विरोधी पत्रकार को गिरफ्तार करने की निंदा की। पाकिस्तान पर अमेरिका की सख्ती बरकरार, पाकिस्तान को दी जाने वाली $2 अरब की सुरक्षा सहायता पर जारी रहेगी रोक, बाइडेन सरकार का फैसला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिल दहला देने वाला हादसा, सीसीटीवी में हुआ कैद, डिवाइडर से टक्कर के बाद ट्रक दो टुकड़ों में टूटा। हफ्ते के दूसरे दिन बढ़त के साथ खुले शेयर बाजार, सेंसेक्स 270, निफ्टी 94 पॉइंट ऊपर खुला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।